तो जय श्री राम दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे ये हाइब्रिड पेड़ पौधे रोपने जो कि है आपका पपीता का, अनार का एंड नींबू का है। तो यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे यहाँ से रोपेंगे और लंबे जो लाइन आपको दिख रहे हैं आप सीधे उधर दिखाओ कैमरा मैन उधर देखिए, यहाँ सीधा इसे ऐसे लंबा रोपेंगे ताकि हमें फल तोड़ने में आसानी हो। और गड्ढा किस प्रकार करेंगे तो यहाँ मेरे हाथ में यहाँ पे खलती है, इसको बहुत करम्बी बोलते हैं, खलती बोलते हैं, लेकिन जो भी बोलते हैं इससे आप गड्ढा कर सकते हैं बड़ी आसानी से। मेरे हाथ में खिला होता है, इसी से आप गड्ढा खोद के इसे देखिए आप बड़ी आसानी से ऐसे ऐसे करके आप आराम से आप मट्टी को निकाल सकते हैं बहुत ईजी वे से। और मट्टी जो बहुत ही फटाल आप देखते हैं घास कितना हुआ हुआ है, तो यहीं पर अभी हम रोपने वाले हैं इन सारे पौधों को। इसमें कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं लगता, आप आराम से पेड़ पौधे रोपिए, खाने का सामान ही मिल जाएगा, प्लस में आपका पैसा ही बच जाएगा और पर्यावरण सबसे बड़ी बात पर्यावरण आपका सुरक्षित हो जाएगा, जो भी पॉल्यूशन हो रहा है वो यहाँ पे कम हो जाएगा। एंड जो पेड़ लगाने से सिर्फ आपको ही फायदा नहीं होगा, यहाँ पे आसपास के जितने भी लोग हैं उनको भी फायदा होगा, क्योंकि उनको भी ऑक्सीजन हालांकि मिलेगा पेड़ से। तो यहाँ पे ज़्यादा गड्ढा नहीं खाना है, थोड़ा सा इसका लेंथ बढ़ा दीजिएगा ताकि किनारे किनारे आपका आप आराम से उसमें हल्का हल्का थोड़ा सा स्पेस छोड़ दें, पूरा जड़ को चापना नहीं है। और यहाँ पे थोड़ा चौड़ा करें, नहीं तो लपड़ा जूता ही पड़ने वाला है कुत्ता को। यहाँ पे आप थोड़ा चौड़ा कर सकते हैं ताकि यहाँ पे पेड़ पौधे को अच्छा से पेड़ पौधे के जड़ों में ऑक्सीजन जा सके। ऑक्सीजन साला पागल घंट साला है, कार्बन डाइऑक्साइड ना जाएगा रे साला, तो हम लोग ऑक्सीजन लेंगे साला, दिमाग ही नहीं है साला इसको, जान के अंदर ऑक्सीजन ना आएगा समझ ली साला। ऑक्सीजन देखो यही एक बुद्धू है जो सीबीएसई में पढ़ने वाला है, ऐसा ही होता है बुद्धू का असर, ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन लेगा। हां देखो इसको कुतवा को बिना ऑक्सीजन के सम जो देखो जिंदगी में पहली बार कोई आदमी रोपने आया है उसमें भी इसको ऑक्सीजन चाहिए, इसको जड़ को ऑक्सीजन नहीं मिला तो जड़ प्रॉपर जड़ को ऑक्सीजन चाहिए गुरु। ऐसा ऐसा बुद्धू के सवाल में नहीं रहिएगा, क्वेश्चन में आएगा कि पेड़ के सांस लेता है किसी से, तो नहीं लिख दीजिएगा ऑक्सीजन, पेड़ के लिख दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं तो ऐसे चूतिया लोग रहेंगे बताने वाला। देखिए कितनी गड्ढा रोपा है, इसलिए एक को फिट नहीं है, फिर भी साला कुतवा के साला के देखो एक बित्ता के तो उसका मट्टी है, एक बित्ता आपको रोपना ज्यादा नहीं रोपता है, पपीता के निकाला जा रहा है, पपीता रोपेगा बंद कर।